आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे खास चैनल फिल्मी अड्डा पर। जी हाँ, आप लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। दरअसल में भाई, इस समय लोकसभा चुनाव का जितना ज़्यादा जिक्र हो रहा था, ऐसा लग रहा था बॉलीवुड इंडस्ट्री अब राजनीति में तब्दील हो रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा आजकल भी देखने के लिए मिल रहा है, जब से लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आए हैं। आपको पता ही है कि इस समय अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि बॉलीवुड से भले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। वैसे आज मैं आप लोगों के बीच जो जानकारी लेकर आई हूँ, वो पहली बार राजनीति में कदम रखे और जीत हासिल करने वाले बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल का जिक्र कर रहे हैं। सनी देओल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और पहली बार ही जीत हासिल कर ली है। और सनी देओल के परिवार में इस समय पर, चाहे बात करें उनकी खुद का, उनका जो खुद का परिवार है, उनकी पत्नी, उनका भाई बॉबी देओल, उनके पिता धर्मेंद्र, या फिर उनकी माँ जो है प्रकाश कौर की, या फिर हम जिक्र कर लें उनके सौतेली माँ हेमा मालिनी और उनकी बहन ईशा देओल और आहाना देओल को लेकर के बात कर ले, तो यहाँ पर जीत का यहाँ पे डबल तड़का जो लगा है सनी देओल के परिवार में लगा है, क्योंकि हेमा मालिनी भी मथुरा से जीत चुकी हैं और धर्मेंद्र तो भाई फूले नहीं समा रहे। जी हाँ, सुबह सुबह उनकी बहन यानी ईशा देओल ने भी सनी देओल यानी अपने भाई को जीत की बधाई दी। हालांकि अक्सर दोनों के बीच मनमुटाव की बातें कही जाती हैं, अक्सर दोनों के बीच मनमुटाव की बातों को लेकर के खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जिस जैसे ही ईशा देओल ने अपने भाई के लिए कमेंट किया, अपने भाई के लिए ट्विटर पर उन्हें बधाई दी, सारी खबरों को खारिज कर दिया गया। लेकिन एक नज़र यहाँ पर डालें अगर हम सनी देओल की फैमिली को लेकर के, तो दो ऐसे शख्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, दो कह लीजिए या तीन कह लीजिए, क्योंकि सनी देओल की पत्नी, सनी देओल की माँ प्रकाश कौर और सनी देओल को लेकर के उनकी सौतेली बहन आहाना देओल, ये तीन ऐसे शख्स हैं जिनका सोशल मीडिया पर कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा है। चलिए सनी देओल की थोड़े आंकड़े की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद जिक्र करेंगे। सनी देओल के आंकड़े की बात करें तो सनी देओल ने 558,719 वोट पाए हैं। उनके खिलाफ उनके कह सकते हैं उनके घर के, उनके परिवार के करीबी है सुनील जाखड़, जो कि कांग्रेस से थे, उन्होंने 476,260 वोट हासिल किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने 27,744 वोट हासिल किए हैं, और ये वो आंकड़े हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जीत का जो अंतर है वो लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास में है। और पूरी तरीके से सनी का जो बॉलीवुड का जो दबदबा था, उनका जो एक्शन हीरो का जो कोला सा हीरो का जो रूप था उनका, शायद वो पूरे गुरदासपुर की जनता पर काम कर गया। और साथ ही साथ भाजपा का जो काम है, 5 साल का कार्यकाल है, उसमें उन्होंने भी सनी देओल की जीत में एक बहुत बड़ा योगदान दे दिया है। अब बात करते हैं फैमिली की। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में ये उठ रहा है कि क्या सनी देओल को, जी हाँ, जो कि हेमा मालिनी सनी देओल के बीच हमेशा से टकरार की उनकी बात की जाती है, दोनों के बीच नोकझोंक की बात, क्योंकि कभी भी किसी भी पारिवारिक समारोह में ये सभी पूरा परिवार एक साथ नज़र नहीं आता, तो अब क्या संसद में ये दोनों एक साथ खुद को एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक ही पार्टी से दोनों सांसद चुने गए हैं और एक ही पार्टी से दोनों देश की सेवा करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं माँ बेटे के प्यार में या माँ बेटे के नोकझोंक में जनता पिसती नजर आए, ये सवाल हर किसी के मन में है। दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार जब ईशा देओल सनी देओल को बधाई दे सकती है, जब वो खुश है, तो आखिरकार आहाना देओल क्यों नहीं? आहाना को क्या सनी देओल से कोई नाराज़गी है? क्या सनी देओल को लेकर के उनको कोई दिक्कत परेशानी है? और अगर है तो क्या, क्योंकि भाई जो सनी देओल के फैंस हैं, जो उनकी पब्लिक है, वो उनके बारे में सब जानना चाहती है, तो इसका भी जवाब हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर से सनी देओल के फैंस के लिए और ख़ासकर सनी देओल को उनकी जीत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऐसे ही राजनीति में जब आए, उन्होंने एंट्री की है, तो अब देखते हैं आगे कैसे, जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में अपने नाम का, अपनी एक्टिंग का, अपने हुनर का परचम लहराया था, अब देखते हैं कि राजनीति में वो अपना पैर अपने देसी अंदाज से जमा पाते हैं या फिर नहीं। और फिर उनकी माँ हेमा मालिनी, उनके पिता धर्मेंद्र, जो कि दोनों पे ही राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय है, इन दोनों का कितना साथ मिलता है अपने बेटे का, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमारे फिल्मी अड्डा के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।